बहुत सारे हमारे आस पड़ोस के देशों के, जैसे हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल हो गया, जब बांग्लादेश वाले को हमारे हमसे बड़ा प्यार है उनका, क्योंकि हम लोग सब साथ में हैं, तो बांग्लादेश वाले पहले इंडिया आते हैं, जब वहां पे पक्के हो जाते हैं फिर वहां से दुबई आए। अच्छा मॉल में चले जाते ना जब कभी हम लोग, क्योंकि हमने तो वहां पे इतने महंगे महंगे ब्रांड्स कभी देखे नहीं, अपने तो मैक्सिमम जितने भी आप सबको बताइए ये कि घर से आए, वहां पे मैंने देखा कि हमारे साथ भारतीय आती है ना हमारे शो में, इसने जैकेट पहनी, भाई कैसी लग रही है, मैंने कहा वेरी, जो प्राइस देखा 12.5 लाख की। हमारे ना एक्सप्रेशन बड़े लाउड होते हैं इंडियंस के, किसी अंग्रेज को बोल दो ना कि 1 लाख की बाइक की बोल दो, उसका छोटा सा एक्सप्रेशन आता, ओह यह रियली ओके। हमारे लोगों को बोल दो 100 रुपए की 4 पानीपुरी, 100 की 4, सोने का पानी डाल के पिला रहा है, जिम करना होगा नहीं उसको, बदमाश देख के आता, तू डाके डाल, इससे तेरा कुछ नहीं होगा। मेरे और 3-4 भाई बहन और आ रहे हैं, हम चाहे दुबई रहे चाहे अमेरिका है, हम इंडियन ही, आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो ड्रेस देखी मैडम की, कितनी खूबसूरत लगी, मैं आपके आने से पहले आप ही की बात कर रहा था। एक तो एसी बड़ा तेज है, ऊपर से शोल्डर, अरे इस तरफ भी है लोग, वाओ। मेरा जो सबसे पीछे बैठे होते ना, अरे इस तरफ भी है, शुक्रिया। और मैडम भी आ रही है बच्चे के साथ, हस्बैंड कहाँ रह गए? अच्छा बच्चा पैदा होते हो तो उनको तो इग्नोर ही कर देती है ना। बासी साहब क्या हालचाल है? अच्छा हमारे, आइए आइए वेलकम, जो लोग पीछे बैठे ना मेरा उनसे बड़ा खास प्यार है, मैं भी पीछे बैठने वाला हूँ, क्या हाल है सर? मजा करिए, जो लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ आए हैं वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं, जो किसी की बीवियों के साथ आए हैं नहीं, बड़ा अच्छा। मैंने एक और चीज देखी यहाँ पे दुबई में, मैंने सारे लोग तैयार पर तैयार देखे, एकदम तैयार होके घूमते हैं, ऐसे नए नए कपड़े पहन के, इतने महंगे महंगे परफ्यूम लगा के, मैंने एक भी आदमी नहीं देखा सर पे डाई लगा के स्कूटर पे जा रहा हो, है ही नहीं कोई ऐसा। अच्छा और देशों में तो गवर्नमेंट जो होती है आपके घरों में पानी पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी, यहां पे मैंने देखा घरों में समंदर पहुंचाए हुए इन्होंने, पाम जुमेरा किस तरीके से बनाया इन्होंने, अगर ऐसे गोल करके बनाते तो कुछ ही लोगों के घर बनते, इन्होंने ऐसे बनाया लंबा फिर उसकी ब्रांचेस बनाई, कितने गुना गर्व, ये दिमाग है इनका और इनकी सोच को सलाम है मेरा, मतलब समंदर कंट्रोल किया हुआ, हमसे घर के बाहर की नाली कंट्रोल नहीं हो रही, कितने रिकॉर्ड्स बनाए इन्होंने, बुर्ज खलीफा देखिए आप, जो भी दुबई आता सबको पता बुर्ज खलीफा, गिनीज बुक में बुर्ज खलीफा के नाम बहुत सारे अवार्ड्स जो है रिकॉर्ड दर्ज है, सबसे लंबी एक तो बिल्डिंग है, ऊपर से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इनका रेस्टोरेंट है, सबसे लंबी लिफ्ट है, मैं मेरी माँ को लेके, मेरी माँ कहाँ बैठी है, मम्मी पीछे सस्ती टिकट ली मम्मी तूने, मेरी माँ, इन्होंने मुझे प्रोड्यूस किया है, लव यू मम्मी, शुक्रिया। ठीक है प्रोडक्शन, मैं तो हमेशा कहता हूं कम करो अच्छे करो। पुराने जमाने में होता था ना बुजुर्ग टीवी ये वो सोशल मीडिया होता नहीं था, उनके पास भी कुछ खास काम रहता नहीं था, वो इस इंटेंशन से पैदा करते थे 8-10 पैदा कर लो एक आध अच्छा निकल आएगा। पर अब मैं ना कल अपनी मम्मी को बुर्ज खलीफा घुमाने ले गया, पता नहीं 100 कौन से फ्लोर तक ले गए, उसके बाद बोले कि वापस जाना है, मम्मी इतनी ऊंचाई पे पहली बार आई, मम्मी कहती बेटा 5 मिनट का और रास्ता रहेगा भगवान से भी मिली आते। हसन से कान बंद हो जाते हैं, पर दुबई के नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया के नाम रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग वैसे थोड़े आलसी होते हैं, आप कभी देखना बाहर से आते हैं अंग्रेज माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, हमारे बिल्कुल बगल में, हम नहीं चढ़ते, अब ऐसे ही आदमी थोड़ा ढीला रहता है, खा पी के चढ़ जाएंगे ये कौन सा पिघली जा रही है। पर जब रिकॉर्ड बनाने पे आता इंडियन आदमी, सर नजरे, मैं उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूं मेरे से निकल नहीं रही, जब इंडियन लोग रिकॉर्ड बनाने पे आते हैं हमारा कोई सानी नहीं है, इंडिया के नाम बड़े सारे रिकॉर्ड हैं, सबसे लंबी मूछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, हमने कुछ नहीं किया, हम ना काटना भूल गए। हमारे तो जब रिकॉर्ड बनाने आते हैं ना कभी कभी तो हमारी दुनिया, हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी है, 130 करोड़ है हम सर,
वो भी वो है जिन्होंने लिखवाया हुआ है गवर्नमेंट को कि हमारे बच्चा हुआ। बाकी ब्लैक मनी पता नहीं कितनी है, ब्लैक किड्स मतलब जो किसी लिस्ट में ही नहीं आते। बैठ जाओ मैडम, इधर से उधर चार बार निकल चुकी हो, खूबसूरत लग रही है, ठीक है। ऐसा क्या गुम होता है आपका ऐसे बड़े अरीना में जो आप ढूंढने जाती हैं? अच्छा, हमारे जब रिकॉर्ड बनाने पे आते हैं, हमारे अजीब ही रिकॉर्ड बना देते हैं। एक पिछली बार मैंने एक आदमी देखा, उसने अजीब ही रिकॉर्ड बनाया, वो मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा था। अजीब ही रिकॉर्ड, एक आदमी बोल रहा था देखिए कितना बहादुर आदमी है। मैंने कहा काय का बहादुर है यार, यही एक रिएक्शन मेरा था ये। मैं कहा ये क्या है, मुंह में सांप डालो नाक में से निकाल रहा है, मतलब खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ गया। मैंने कहा तो शुक्र करो भगवान का, सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते बाहर आता लेने के देने पड़ जाते। अच्छा, आपको दुबई आना जाना लगा रहता है, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, आप लोगों का, आप लोग बुलाते रहते हैं, हम आते रहते हैं, पर पहले पहले दुबई आते ना बड़ा डर लगता था। ये हमारा दिनेश है ना गिटार, इसके मुंह पे लाइट मारो जरा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, स्पेशली अंग्रेजी है जो ऑपरेट कर रहा है। डू यू हैव एक्स्ट्रा लाइट ब्रो? ज्यादा नहीं मारनी, पहले उसका रंग खराब हो गया। ये बड़ा डरता है, स्पेशली जब इमिग्रेशन पे आते हैं ना, जहां वो बोलते हैं सब लोग की लुक इनटू द कैमरा ये वो, तो ये मुंह बड़ा भोला बना लेता है ऐसे करके, कहते हैं लुक इनटू द कैमरा, कहता है उनको नहीं लेना देना कोई, भोला बनाने से जिसको आने देना आने देना, जिसको नहीं आने देना नहीं आने देना। एक अम्मा थी बेचारी मेरे आगे इंडियन, उनको इमिग्रेशन वाला लुक इनटू द कैमरा, हां जी कहता, उन्होंने भी रोज का काम है, उन्होंने लाइनें याद कर रखी हैं। कहता अम्मा जी आंख दिखाइए, कहती बेटा अब क्या देख रहा है, जवानी में देखता बड़े बड़े डुबो हैं मैंने। मैं दिनेश के ऊपर फिर लाइट बंद कर दी है, तुम्हारा खर्चा आ रहा है फिर चलाओ। ये दिनेश के चाचा जी ना काफी साल पहले दुबई आ गए थे, इन्होंने डराया बड़ा हुआ था इसके चाचा ने हमें, अरे दुबई में ये नहीं करना ये हो जाता है, दुबई में ये नहीं करना ये हो जाता है, किसी को ऐसे मतलब चोरी नहीं करनी, हाथ काट देते हैं, आंख नहीं मारनी आंख फोड़ देते हैं। चाचा तो कहता बाहर जाके आप बाथरूम भी नहीं कर सकते ऊपर में, हमारे इंडिया में तो हम चलो कर ही लेते हैं। अच्छा, मैंने पुलिस देखी नहीं यहाँ पे, लोग अपने आप ही ट्रैफिक रूल्स को मतलब कर रहे हैं फॉलो, कोई है ही नहीं, मतलब ट्रैफिक रूल्स हमारे वहां पे भी हैं, हमारे वहां पे भी लाइटें लगी होती हैं, पर हमारे लाइट के हिसाब से नहीं चलते, लाइट के हिसाब से नहीं चलते, हमारे पुलिस वालों के हिसाब से चलते हैं। पुलिस वाला नहीं खड़ा है तो लाल पे भी चले जाते हैं, पुलिस वाला खड़ा ग्रीन पे भी रुक जाते हैं। आप कभी कभी देखना सिग्नल पे ना, पता नहीं किस चीज की जल्दी है हम इंडियन लोगों को, जो एक स्टॉपेज लाइन होती है ना जहां पे खड़े रहना उसके आगे नहीं जाना, एक मोटरसाइकिल वाला बैठा रहेगा ना तो लाइट तक वो चलती है 10, 9, 8, वो 10 पे आगे होते रहते हैं 9, 8, 7, इतनी में और जल्दी वाला आता, वो मोटरसाइकिल निकल गया, उसके पीछे 10 लोग सिग्नल तोड़ते हैं। हमारी पुलिस भी शानी है, वो एकदम से फिर ना पेड़ के पीछे निकल दिया कावा कावा का कावा, फिर 10 लोगों की चलान करते हैं, जो सबसे पहले जिसने सिग्नल तोड़ा होता ना उसको जाने देते हैं। वो कहते साहब उसको क्यों जाने दिया, कहते बेटे वो हमारा ही आदमी है। वो पहले सिग्नल तोड़ता है फिर तुम लोग तोड़ते हो।